हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश एंड यू आर वाचिंग रज़ा व्लॉग बाइक्स। तो फ्रेंड आज के लिए फिर से हाजिर हो गए अच्छे से न्यू से व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप ना करेगा, पूरी वीडियो देखेगा। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज मैं मौजूद चौधरी आटोस लाहौर पे। इनका जो आपको पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज आपके लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी लेके हैं इंडिकेटर्स की। बाकी आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी इंडिकेटर्स की वैरायटी इनके पास आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड वन बाय वन मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा, बड़ा छोटा सा ब्लॉग होगा और जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वन बाय वन जो दिखाऊंगा आपको उसकी नीचे प्राइस ऑलरेडी नीचे मेंशन होगी और बाकी आपको आगे जाके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो यहाँ से हम कैफे रेसर और उसके बाद वाई बी आर और उसके बाद स्पोर्ट बाइक्स में जो आप लगवाना चाहते हैं मीटर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और बाकी सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाता, चलो ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स की आपको लुक दिखाता हूँ मैं पास से, क्लोजअप से आपको इसकी लुक है। बाकी इसकी प्राइस वगैरह देख सकते हैं ऑलरेडी नीचे मेंशन है, बाकी आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको चाहिए हो, ये दो का पेयर होगा, उसके बाद आप चार भी इनके पास से ले सकते हैं। और फ्रेंड उसके बाद इनकी प्राइस आपको बताया ऑलरेडी नीचे मेंशन है। अगर आपको प्राइस के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही हो कि यार इसकी प्राइस कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, तो आप इनके पेज पर विजिट कर सकते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगी। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नंबर पर आता है एक और इंडिकेटर आता है DRL का ऑप्शन, आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसकी आपको मैं ब्रदर से कहता हूँ क्लोजअप से लुक दिखाएं, इसके अंदर आपको DRL का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद पार्किंग लाइट्स भी इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन होते हैं। अब जाहिर सी बात है हमने जितनी चीज़ इस्तेमाल करी हो हम आपको उतना बता देते हैं जितना हमें पता हो, और बाकी इसकी प्राइस भी ऑलरेडी नीचे मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आ जाता है एक और इंडिकेटर, ये वाला जो इंडिकेटर्स है आप एक बिस्किट आता है उसकी शेप का इंडिकेटर है, उसके अंदर शेप भी साइडों पर बिल्कुल उस तरह की है। और बाकी अगर मैं आपको बताता चलो इसके अंदर आपको साइड पर DRL का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बीच में इसका इंडिकेटर है। फ्रंट से आपको इसकी लुक दिखाता हूँ और प्राइस इसकी ऑलरेडी नीचे मेंशन है। और आपको मैंने पहले बताया था अगर आप आते हैं इनके पास से कोई पैकेज लेते हैं, जैसे कैफे रेसर की लोग आपको पता पूरा पैकेज होता है, उसके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, हेडलाइट होती है और उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। इनके बाद आपको बताया कि 10% डिस्काउंट देंगे अगर मेरे चैनल का रेफरेंस देते हैं इनको आके। उसके बाद फ्रेंड बड़े न्यू से इंडिकेटर्स हमने इनके पास देखे हैं, इंडिकेटर्स तो हैं बीच में उनको छोटे छोटे फ़ैन भी लगे हैं, जब आप बाइक चलाएंगे तो उसके अंदर आप फैन से घूमेंगे। बाकी इसकी आपको क्लोजअप से लुक दिखाता हूँ, इसके अंदर येलो और रेड कलर की आपको रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी आपको क्लोजअप से लुक दिखा रहा हूँ और उसके बाद इसकी प्राइस है वो भी ऑलरेडी नीचे मेंशन है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैरायटी के इंडिकेटर्स हैं। और अनब्रेकेबल जो है मैं वो भी आपको बता दूंगा, ये मेरे ख्याल से आई थिंक तो अनब्रेकेबल इंडिकेटर्स हैं जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं इंडिकेटर्स, इसके अंदर आपको बताते हैं इसके अंदर येलो वाइट इंडिकेटर्स के आपको लाइट देखने को मिल जा रही है। डिस्प्ले सब इंडिकेटर्स का आपको एक दफ़ा ही दिखाऊंगा, एंड पे वो दिखाऊंगा। और बाकी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला इंडिकेटर्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं DRL का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रनिंग लाइट आपको इसके अंदर येलो और वाइट आपको देखने को मिलता है। आपको इसकी क्लोजअप से लुक दिखाता हूँ और प्राइस इसकी ऑलरेडी नीचे मेंशन है। अगर आपको मैंने पहले बताया इनके पेज पर विजिट कर सकते हैं, उधर भी आपको काफ़ी इंडिकेटर्स की प्राइस के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक और इंडिकेटर्स हमारे पास आ जाते हैं, एरो शेप के अंदर आते हैं और उससे पहले भी आपने देखा एरो शेप, ये भी एरो शेप के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर भी आप बताता चलूँ लाइट्स काफ़ी अच्छी है, इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और बाकी आप यूनिवर्सल है, किसी बाइक में लगवा सकते हैं 70, 125, बेशक आपके पास कोई हैवी बाइक है उसके अंदर भी आप इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं। क्लोजअप से आपको इसकी लुक दिखाने का मकसद होता है ताकि आपको पता लग सके कि यार किस तरह की चीज़ है, खोल के तो नहीं दिखा सकते, बाकी आपको क्लोजअप से इसकी लुक दिखा सकते हैं, आगे जाके आपको इंडिकेटर शो करवाएंगे। और उसके बाद फ्रंट आपको नेक्स्ट की तरफ लेकर चलूँ, गोल आ जाता है हमारे पास इंडिकेटर, ये आप देख सकते हैं कैफे रेसर में यूज़ होता है। इसके अंदर रनिंग लाइट की बात करता हूँ, चलो येलो और वाइट इसके अंदर रनिंग लाइट आपको देखने को मिल जाती है, बीच में आपको इसके अंदर इंडिकेटर और साइड पे आपको इसकी पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं दिखाऊंगा, इधर हो सकता है अगर पड़ा हो मैंने, क्योंकि अपनी कैफे रेसर में लगवाया था, दो साइड पर आता है इंडिकेटर, बैक पर उसके पार्किंग लाइट आती है एरोस के साथ। तो फ्रेंड उसके बाद अगर मैं बताता चलूँ नेक्स्ट जो आ जाता है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद दो दो इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्राइस जो आपको बता रहा हूँ दो इंडिकेटर्स की ना के चार इंडिकेटर्स की। और बाकी आगे जाके आपको मैं इसकी क्लोजअप से लुक दिखाता हूँ, इसके अंदर लाइट का इधर तो इतना नहीं लिखा हुआ, बाकी इसके अंदर ये वाला इंडिकेटर मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं और प्राइस आपको बताया पहले ऑलरेडी नीचे मेंशन है इनकी, आप उधर से आप देख सकते हैं पता कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड एक और उसके बाद आ जाता है इंडिकेटर, आपको पहले भी मैंने दिखाया था, वही आपको बताया था कि बिस्किट शेप के अंदर था, उसके अंदर उसी का एक और आ जाता है और है पीछे चाइनीज़ में लिखा हुआ इतना, अब इसका कलर के बारे में भी नहीं उन्होंने मुझे बताया हुआ। और बाकी आप देख सकते हैं इसकी प्राइस नीचे ऑलरेडी मेंशन है, क्लोजअप से आपको इसकी लुक दिखाते हैं भाई, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोजअप से इसकी लुक वगैरह भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और आ जाता है हमारे पास इंडिकेटर्स, काफ़ी लंबे बड़े इंडिकेटर्स आ जाते हैं, अगर आप YBR में भी लगा सकते हैं, जितने भी आपको मीटर दिखाएँ वो दिखाए हैं
इंडिकेटर से आप यूनिवर्सल है, किसी भी आप लगा सकते हैं इजीली। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाएगी, पार्किंग लाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे साइड पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको येलो एंड ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। क्लोजअप से आपको इसकी लुक दिखा रहा हूँ, वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि इंडिकेटर्स इनके बारे में कुछ इतना बताना नहीं होता, बस आपको दिखाने का मकसद है कि आपको पता लग सके कितनी वैरायटी पड़ी हुई इनके पास। उसके बाद एक और आ जाता है, इसके अंदर भी आपको येलो रेड मिल जाता है, पार्किंग लाइट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और बाकी काफ़ी प्यारा इंडिकेटर्स है। और इसके अंदर आपको बता सकते पार्किंग लाइट है वो काफ़ी प्यारी लुक देती है, और अगर येलो कलर में हुई तो काफ़ी अच्छी लुक देगी। उसके बाद आप क्लोजअप से इसकी लुक देख सकते हैं, नीचे ऑलरेडी इसकी प्राइस मेंशन है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम उसके ऊपर, ये काफ़ी बड़े इंडिकेटर्स हैं, ये आप रेप्लिका आजकल बाइक्स आ रहे हैं, किसी बाइक का आप रेप्लिका ले लें उसके अंदर अगर आपके इंडिकेटर्स हैं वो टूट गए हैं, और ये अनब्रेकेबल होते हैं कि अगर कोई हुआ, अभी इस टाइम तो नहीं, मैं आगे जाके चेक करवाता हूँ कि अनब्रेकेबल का होता है कि टूटते नहीं है किसी तरह भी। और बाकी आपको इसकी क्लोजअप से इसके अंदर येलो और वाइट आपको लाइट देखने को मिल जाती है, क्लोजअप से आप इसकी लुक वाइज भी देख सकते हैं इंडिकेटर्स। बाकी आप देख सकते हैं बड़े साइज़ में इंडिकेटर्स हैं, आपको स्मॉल इंडिकेटर्स पे आगे जाके मैं चेक करवाता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स और आते हैं हम लोग अगले जो थोड़े से पड़े हुए इंडिकेटर्स हैं इनकी तरफ, एक और आया इसके बाद येलो और वाइट कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स बाइक में लगते हैं, मगर आप अगर कोई बाइक कस्टम बाइक बनवा रहे हैं उसके अंदर आप लगा सकते हैं। इनकी प्राइस आपको नीचे ऑलरेडी नीचे मेंशन है, नज़र आ रही होगी प्राइस, मैंने आपको पहले बताया कम ज़्यादा होती रहती है, तो जिसकी वजह से प्राइस, इसीलिए कई लोग प्राइस नहीं बताते कि कम ज़्यादा होता, मगर हम फिर भी आपको प्राइस के बारे में बता देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड बड़े ब्रीक से इंडिकेटर्स आते हैं, ये आपको आपने देखा होगा रेप्लिका बाइक्स आजकल आ रही है उनके अंदर शुरू में ये लगे हुए आते हैं इंडिकेटर, ये भी काफ़ी अच्छे हैं और अनब्रेकेबल इंडिकेटर्स हैं। इनकी क्लोजअप से आपको मैं लुक दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर खाली आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी प्यारा इंडिकेटर है, छोटा सा इंडिकेटर है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और आ जाते हैं इंडिकेटर, और ये भी लाइंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको येलो और रेड कलर का आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, इसकी प्राइस नीचे ऑलरेडी मेंशन है, बाकी आप क्लोजअप से इसकी लुक वगैरह देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्लोजअप से इसकी लुक, अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि इनके पेज पे आप विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो इनके ऑनर है वो एक एक प्रोडक्ट पकड़ के उसके बारे में आपको बताते हैं, उधर आप विजिट वगैरह करिएगा ज़रूर, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं ये आर्मी कलर के इंडिकेटर्स हैं फ्रंट से ग्रीन कलर के, और इसकी मुझे आई थिंक सो लाइट ग्रीन कलर में ही होगी क्योंकि ग्रीन कलर में है। और उसके बाद एक और आ जाता है येलो और वाइट कलर, ये दो इंडिकेटर्स हैं और इन दोनों को आपको दिखाते हैं क्लोजअप से लुक, ये आप क्लोजअप से इन दोनों की लुक वाइज देख सकते हैं, और इन दोनों की प्राइस नीचे ऑलरेडी मेंशन है, बाकी आप देख सकते हैं। और उसके बाद दो इंडिकेटर्स रह गए हैं मेरे पास, दो के छोटे इंडिकेटर्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। के बाद बात करता चलूँ येलो और ब्लू, इसके अंदर लाइट आपको देखने के एरो शेप में लाइट है, इसके अंदर आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और इसकी प्राइस नीचे ऑलरेडी मेंशन है, बाकी इसकी आप क्लोजअप से लुक देख लेंगे किस तरह के इंडिकेटर्स हैं। फ्रेंड आप देख रहे हैं इसकी लुक भी देख सकते हैं कितने प्यारे इंडिकेटर्स हैं, और आपको पहले बताया अनब्रेकेबल हैं, टूटेंगे नहीं, और ये नहीं कि अनब्रेकेबल हैं तो आप तोड़ दें लटक जाएंगे साथ, तो जाहिर सी बात है टूटेंगे वो। और उसके बाद एक और आ जाते हैं इंडिकेटर छोटे साइज़ में, आजकल लोग 70s में यूज़ कर रहे हैं, बड़े इंडिकेटर लोगों से टूट जाते हैं वो जो 70 कंपनी देती है साथ लगा के, तो ये छोटे लोग यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर्स, तो उनके लिए ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छे हैं। साइड पे ये इंडिकेटर है, यहाँ पे आप साइड से रखे हैं, बाकी आपको इसकी क्लोजअप से लुक दिखा रहा हूँ, इसकी प्राइस नीचे ऑलरेडी नीचे मेंशन है, ये आपको इंडिकेटर नज़र आ रहा है देख सकते हैं, मोटर लाइट के इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा बाकी इन चीज़ों के आपको प्राइस के बारे में बताया, प्राइस नीचे ऑलरेडी मेंशन है, प्राइस कई लोग तो बताते भी नहीं है इस वजह से कि प्राइस ऊपर नीचे होती है, फिर बाद में लोग कमेंट करके तंग करते हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर पसंद भी आता है वो स्टाइल देख के इनके पेज पे जाके उधर से सर्च वगैरह कर सकते हैं, आपको वहाँ पे हर किस्म के इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और बाकी आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके हाजिर होता रहूँगा। थैंक यू सो मच।